क्या सर, कई काम में लेंगे ना? इसका उपयोग कीटनाशक छिड़काव और खरपतवार नाशक का छिड़काव करते समय किया जाता है। कई करना? अरे माँ तो फैले ही से ऐसे छिड़कता है, ऐसे छिड़कता माँ तो आना से कहीं गर्म होगा ना, मैं तो नवरू बीमारी है। तो ये ग्लव्स और मास्क पहनने छिड़काव करते समय पहनने जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक दवा होती है जो कि अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है या सांस के द्वारा या हाथ में खाना खाने के समय। तो ये जैसे अभी तो कोई प्रकोप नहीं दिखाएगी, लेकिन जैसे अपनी उपने ज़्यादा हो जाएगी तो धीरे धीरे उसको प्रकोप शुरू हो जाएगा। तो मामा खेत में गरज दो लार गन्ना के छोटा दो लार तक है। जरा सोचो, जो दवाई आपको एक महीने तक खेत में काम करती है पौधों को कीड़ों को नियंत्रण करने में, वो आपके शरीर पर नुकसान नहीं करेगी। ठीक है सर, पहले भी मैंने पोर के भी क्या इंसेशन किया था और अबर के भी इंसेशन किया, और इनसे क्या है कि फायदा है, इनसे फायदा है, कभी भी ऐसा छिड़कना चाहिए दवा। इसी दवाई छिड़कता हूँ मैं, इनसे बहुत फायदा नहीं जाता है, इससे कोई काफ़ी नुकसान कोई नहीं रहता शरीर पर, कहीं अगर अपने मोजे वोजे से फैल लेते हैं तो छाता वाटा अपने हाथ वाथ पर नहीं पड़ते। जब भी क्या है दवाई छिड़कने है तो इससे, जब से मैं 3-4 साल से इसी से छिड़क रहा हूँ, इससे क्या है शरीर में नुकसान नहीं होता है। इससे क्या है कि जब से सांस लेते हैं हम तो मुंह में दवाई नहीं जाती है, शरीर में दवाई नहीं जाती है। दस्ताने पहनने से हाथों में जब हम दवाई डालते हैं पप में तो हाथ में दवाई नहीं लगती है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो भी दवाइयों को छिड़काव करे तो दस्ताने लो, और दस्तानों से कोई नुकसान नहीं है और इससे बहुत फ़ायदा है, शरीर को नुकसान नहीं है, इसी से दवाई छिड़के। ओ पप के बराबर भी वजन नहीं है और हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमें लगा के ही छिड़क लेंगे, अपन को कोई वजन तो लगे नहीं, पप में भी तो 15-16 किलो वजन रहे। ठीक है, ये मोजा तो फैल लेंगे जैसा हमारे हाथ में, ये तो याद है माया हाथ में, यो कई सिस्टम है इनको भी बताओ। ये मुंडा बांधना नहीं, नहीं। मैं दोनों तुम्हें पहन के दिखाता हूँ। हाँ बताओ। तो बांधने पड़े, मैं बाद में मोजे फेरा, बंदे नहीं तेरे गाटन नहीं लगा ऊपर। रबड़ ने बांध लो ना, उतली से भरते नहीं है कि जैसे अपन अगर दवाई छिड़काव करते समय अगर मास्क पहन के ग्लव्स पहन के रखते हैं तो उसके तुरंत बाद निकाल के तुरंत हाथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें हाथ में गर्मी रहती है, इसके कारण रिएक्शन भी हो सकता है। थोड़ी देर रुक के हवा लगने के बाद में साबुन से हाथ साफ कर लेना चाहिए। दे दो आप सब माए ही है, दाने ही को प्रयोग करके दवा छिड़ गए, आप दूसरा डोज छिड़ गए आज। और जी भाई दे नहीं रामेश्वर दे, ये मुंडा मान बको है उनसे नहीं आयो। बढ़िया है मुझ जा रही है साहब, आज ही दवाचन कुआं जो आना है लगा के फिर उनको प्रयोग करके दवाचन कुआं आज। चलो ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई, अब आज के बाद हम हमेशा दस्ताने का उपयोग करेंगे, दस्ताना पहन के ही दवाई वगैरह छिड़केंगे, जो भी कीटनाशक छिड़कना है दस्ताना पहन के ही हम काम करेंगे खेती का, जो कीटनाशक छिड़कने का है। कन के पास है दवाई साहब, मैं जा रही दवा छिड़कवा, यह भी बताओ मैं उपयोग करूँगा। कौन जाके